एटीएम में कैश डिपॉजिट करने वाले कर्मचारी की नीयत डोल गई। फिर क्या था, अपने साथी के साथ एटीएम में वारदात करने का प्लान बनाया। 10 अगस्त की रात को मोहित ने अपने साथी के साथ कई बैंकों के एटीएम में वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन हरिपर्वत थाना क्षेत्र के कैनरा बैंक के एटीएम के सीसीटीवी में वो कैद हो गई। एटीएम का लॉक तोड़कर ब्लेड के माध्यम से पैसा निकालने का प्रयास किया गया था। थाना पुलिस ने दोनों शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक चाबी, दो ब्लेड, 15,000 रुपये कैश, दो मोबाइल व अन्य सामान बरामद हुए हैं। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि मोहित नाम का अभियुक्त पहले बैंक के एटीएम में कैश डिपॉजिट का काम करता था और वह एटीएम के टेक्निकल चीज़ों से वाकिफ था और उसने एटीएम लूटने और उसमें चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया और इसके लिए एटीएम की टेक्निकल बारीकियां अपने दोस्त को भी सिखाई, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देखिए, थाना हरिपर्वत पुलिस ने दिनांक 10 अगस्त 2024 को थाना हरिपर्वत क्षेत्र में ही एक केनरा बैंक में दो व्यक्तियों के द्वारा जो चाबी लगाकर और ब्लेड लगाकर कुछ कैश चोरी करने की घटना का सफल अनावरण किया है और इसके क्रम में दो अभियुक्त मोहित और सौरभ को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक की, दो ब्लेड्स जिसमें कैश इकट्ठा होता था और दो मोबाइल फोन और 15,000 रुपये कैश और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। और ये लोग दरअसल, इसमें से एक व्यक्ति मोहित पहले एटीएम में कैश डिपॉजिशन का काम करता था, तो एटीएम की टेक्निकल डिटेल से वाकिफ था। और यही व्यक्ति अपने मित्र को ये सारा काम सिखा के, और कई बार इसमें से एक व्यक्ति बाहर देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है और दूसरा व्यक्ति ये काम करता था, और इस तरह से करके इन्होंने 10-11 अगस्त में 7-8 जगह एटीएम्स को टारगेट किया और उससे एटीएम से कैश निकालने का प्रयास किया। थाना हरिपर्वत पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में अभियोग के माननीय न्यायालय के समक्ष इन दोनों अभियुक्तों को प्रस्तुत किया जा रहा है और अब आवश्यक जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, तरीका वही था कि जो नीचे एटीएम के खुलने वाला पार्ट है उसको खोल के जो भी कैश इनको इनके हाथ लग जाए, जो डिपोजिशन में कई बार ग्राहक नहीं ले पाते हैं या ग्राहकों का पैसा छूट जाता है, वो कैश ये जमा कर लेते थे, वही ये कैश है जो बरामद हुआ।